अर्धनग्न अवस्था रे युवती उद्धार घटना एबे सारा राज्य रे चांचल्य सृष्टि करछि। अर्धनग्न अवस्था रे कार भितरे जणे युवती को दुष्कर्म परे खोर्धा पीएन कॉलेज सम्मुख रे एनएच रे फिंगी देबा घटना रे जणे अभियुक्त को पुलिस अटक रखिछि। एनेई भुवनेश्वर डीसीपी ट्वीट करी सूचना देछन्दि, तबे एही घटना रे अभियुक्त को अटक रखा जाइतबा सह कार को जबत करा जाइछि। मामला को खोर्धारु खंडगिर थाना को स्थानांतर करा जाइछि। वरिष्ठ अधिकारी माने तदंत को मॉनिटर करूछन्ति बोली ट्वीट रे उल्लेख करा जाइछि। गतकाली खोर्धा पीएन कॉलेज सम्मुख एनएच ठारे मुर्मूस अवस्था रे जणे युवती को उद्धार करा जाइतिला। दुर्वृत्त माने युवती को रास्ता रे फेंगी देथिले। स्थानीय अग्निशम बाहिनी युवती को उद्धार करी मेडिकल रे भर्ती करथिला। गाड़ी भितरे दुई जण युवक थिले, सेमानक मध्यरे जणे तांक सह दुष्कर्म करथिबा पीड़िता जणक एतला रे लिखिछंती। हां, मु अभिका थिली हमर पैडी प्रोक्योरमेंट मीटिंग रे स्पेशल सर्किट हाउस भुवनेश्वर रे। एही समय मते सीडीएम खबर देले जो घटनाटा आपण कहउछंती गोटे झियोटे एमती पड़ीथिला रास्ता करे ताकू हमर नेकि आछंती फायर स्टेशन वाला सही अनुसार तांकर खबर पाई मु आमर आईआईसी खोर्धा टाउन को पठेली एवं मु भी सेठु आसी एबे पहुँचली। ये बर्तमान देखिलु जो पीड़िता जी अच्छा आम कैजुअलिटी ट्रीटमेंट रे से कांदुचंती किछ कहि पारुनांती, तांकर मानसिक माने एपर्यंत ठीक आसी नै किंतु सुस्थ अच्छा एवं सी खाली जानिपाकु पाइली से झियर घर हैला गणिया अंडर नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट किंतु रहुची खोर्धा रे। बयस प्राय 30 प्लस हे सी आज कौन जाते भुवनेश्वर से खंडगिरी आसला बेले कौन गोटे घटना होती आईपार ना से आम खंडगिरी छक जिते आसला बेले गोटे कौन घटना होती शुणिल बर्तमान मु खबर दे खंडगिरी आईआईसी सी आसला आम तार सी भी सुस्थ होगापर आम तार स्टेटमेंट ना कौन है डिटेल्स आम कहीपर ना बर्तमान बयान मो पाखे मुझे तो निजे जापण आगे गली आईआईसी सहित आम लेडी अफिसर भी अच्छा सी वर्तमान माने खाली कांदुची आउ ताकू अबिका आमे टिके खाद्य पानीय देइचु टिके भल होइगला परे सुस्थ होला परे तार मानसिक संतुलन जत ठीक हे जो ताकू पूरा पचारी के आमे तार स्टेटमेंट नबु एवं तार स्टेटमेंट को आधार करी जोटी घटना हेतिबो सेही अनुसार कार्यक्रम हबो।